ଦକ୍ଷିଣରେ କେରଳ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେରଳ ପରେ ଏବେ ଭାସୁଛି ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନ୍ତାଲା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡ଼େ ବିଭୀଷିକାର ଦୃଶ୍ୟ ପାଣିରେ ଘର ବୁଡ଼ିଛି ଭାସୁଛି କାର୍ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଅଠତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କେବଳ ନୈନତାଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ପଚିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ସହର ସବୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି મુખ્યમંત્રી ધામીએ વર્ષા જોગ્ન હોય ક્ષયક્ષર કરા કરાવી છે ચારિધાન જર્ગરે ફસીવા લતંત્ર ને નિર્દેશ મુખ્યમંત્રી आपदा में काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूं स्वयं जहां जहां भी ये आपदा जहां जहां भी आपदा आई है वहां पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहां पर मैं जा रहा हूं उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं कुछ हैं उनको भी निकालने के लिए सारे रास्ते खोलने के लिए और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी आंकलन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है और वायुसेना के तीन हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मांग करी थी वो भी आ गए हैं वो भी अपने काम में लग गए हैं अभी जान माल की काफ़ी क्षति हुई है रोड टूट गई हैं पुल टूट गए हैं जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है सड़क बह गई है तमाम जगह पर जो है अभी भी जल भरा हो रखा है मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम तक मौसम ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी यात्रा भी चलेगी अन्य काम भी चलेंगे